बताना तो पड़ेगा, मैं आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। कल तक न्यायपालिका के फैसले की बाट जोहने वाली बीजेपी ने अब राम मंदिर के निर्माण की डेडलाइन तय कर दी है। योगी सरकार के मंत्री और यूपी बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा है कि 2019 तक हर हाल में राम मंदिर हकीकत बन जाएगा। सिंह ने यहां तक कह दिया कि मंदिर निर्माण में मुस्लिम समाज भी हाथ बटाने को तैयार है, माहौल बदल चुका है। विपक्ष इसे ध्यान भटकाने की साजिश कह रहा है तो बीजेपी कह रही है ये जनभावना की पुकार है, ये आस्था की आवाज है। सवाल है कि 2019 के चुनावी दंगल का एजेंडा विकास ही रहेगा या हिंदुत्व उसे बेदखल कर देगा। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े होते हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। बताना तो पड़ेगा कि अयोध्या में 2019 से पहले बनेगा क्या राम मंदिर, मंदिर निर्माण पर मिलेगा क्या मुसलमानों का साथ, और मोदी राज में राम मंदिर का माहौल क्या बन गया है, सिर्फ चुनाव में राम या होगा मंदिर पर भी काम। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास, हर किसी को न्याय होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, वो नारा जो देश की जनता को भा गया, वो नारा जिसके बूते बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में विपक्षी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, वो नारा जिसके बूते बीजेपी ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, विकास का वो नारा क्या बेअसर हो रहा है, मोदी सरकार का वो मूल मंत्र क्या बदल गया है, क्योंकि 2019 की सियासी बिसात पर फिर से हिंदुत्व को लहराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यूपी की योगी सरकार के कद्दावर मंत्री ने फिर से राम मंदिर का राग अलाप दिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने 2019 को इसकी डेडलाइन तय कर दी तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि मंदिर निर्माण में मुसलमान भी हिंदुओं का साथ निभाने को तैयार हैं। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर जो अर्धकुंभ 2019 में आ रहा उसके पहले बन जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का भी हमेशा से ये मानना था, या कोर्ट के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, और स्वामी जी की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे जन भावना की पुकार करार दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये देश की जन भावनाएं हैं। मुद्दे की टोह में बैठे विपक्षी दलों को भी बीजेपी पर हमले का हथियार हासिल हो गया। कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की नाकामियों की फेहरिश खोल दी। सबसे ज्यादा फेल स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी राम मंदिर की बात करने से पहले अपने हृदय के अंदर राम जी को तलाश करें, जिनका कहना था कि सबको साथ लेकर चलना। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है और उनको चाहिए एफिडेविट दे दे जाके सुप्रीम कोर्ट में कि हमने तय कर लिया कि 2019 पहले मंदिर बनाएंगे, आप फैसला देना दें, तो समझूंगा कि बीजेपी के लोग भी बड़े बहादुर हैं और बहादुरी से बयान देते हैं। बयानबाजी, झूठी बयानबाजी देने में तो बीजेपी ने वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, गिनीज बुक में टॉप पे पहुंच गए हैं। चंद महीने पहले तक मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को खरी खरी सुनाने वाली जेडीयू अब अदालत की आड़ ले रही है। घर वापसी के बाद उसके तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। किसको न्यायपालिका की जो भूमिका है उसको स्वीकार करना चाहिए, और न्यायालय का अगर कोई फैसला आता है तो पूरे देश को सर्वमान्य होगा और उसका सब लोग आदर करेंगे। 14 साल का वनवास झेलकर यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी इस बार अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने जा रही है। अयोध्या में भगवान राम का दरबार भी लगेगा जिसमें योगी और उनके मंत्री दरबारी होंगे। तो क्या मान लिया जाए कि हिंदुत्व विकास के मुद्दे पर हावी हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कई सवाल हैं हमारे सामने जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ एजाज अरशद कासमी साहब मौजूद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। हमारे साथ संगीत रागी मौजूद हैं, संघ का पक्ष रखेंगे, संघ के विश्लेषक हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा जुड़ेंगे और असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया AIMIM के। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी के पास मैं जाऊं, उससे राकेश त्रिपाठी जी मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ही है कि ये जो बात बार बार आती है राम की, राम को एक बार फिर चुनाव से पहले 2019 से पहले याद किया जाता रहेगा 2019 तक, या काम भी होगा अब की बार? देखिए सुमेरा जी, राम को तो हर समय याद किया जाता है, जन्म से मृत्यु तक बिल्कुल राम हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए ये कहना कि राम को चुनाव के वक्त याद किया जा रहा है, मुझे लगता है ये राम मंदिर बयानबाजी। चलिए मैं अपने आप को दुरुस्त कर लेती हूँ, राम मंदिर, राम मंदिर बनाएंगे और उसकी एक नई डेडलाइन जो बार बार डेडलाइन दी जाती है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी डेडलाइन दे चुके थे, उन्होंने कहा था 1 जनवरी 2016 तक का प्रधानमंत्री ने, उन्हें कुछ मत कहा, उसके बाद वो इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अब एक नई डेडलाइन सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी है, उन्होंने किसी और बहाने से दे दिया कि योगी जी भी कह रहे हैं कि जनभावना है, अयोध्या का मुद्दा है, भले ही कोर्ट में है लेकिन जनभावना का सम्मान करना है। तो अलग अलग तरह से बयान आता रहता है और एक नई नई डेडलाइन सामने आती है। अब नई डेडलाइन है 2019 से पहले शुरू हो जाएगा काम। देखिए उन्होंने, सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो बात कही है वो किस रेफरेंस में किस साथ में कही है पूरा उसको अगर समझ लेंगे तो मुझे लगता है कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी जी। स्वामी ब्रह्म योगानंद जी हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। उन्होंने एक और भविष्यवाणी की कि इलाहाबाद में जब अर्धकुंभ लगेगा, इस अर्धकुंभ के लगने से पहले अयोध्या में राम मंदिर का जो ढांचा है अस्त व्यस्त अवस्था में है, बदहाल अवस्था में है, वहां एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी एक भविष्यवाणी सच हुई है और हमें लगता है कि यह दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित होगी, क्योंकि एक के बाद एक सकारात्मक जिस तरह के संकेत दिखने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी जल्दी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, दिसंबर से इसकी सुनवाई होने शुरू हो जा रही है। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में तमाम बड़े मुस्लिम संगठन, उनके तमाम बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात पर अब सहमति जताने लगे हैं कि जो करोड़ों करोड़ हिंदू हैं, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और देश के बाहर रहते हैं, उन सबकी ये आस्था है कि जो हमारे आराध्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। देखिए मंदिर तो वहां पहले से है, पूजा हो रही है, केवल उस मंदिर का भव्यता देनी है, दिव्यता देनी है। मतलब और हमें राकेश जी है, राकेश जी, सिद्धार्थनाथ सिंह को ये पक्ष रखना था कि भाई 2019 के पहले माहौल बदल रहा है और 2019 के पहले काम शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने स्वामी ब्रह्म योगानंद जी की भविष्यवाणी का हवाला दे दिया, खुद भी बता देते कि सरकार का क्या पक्ष रखे हैं। वो देखिए, वो स्वामी ब्रह्म योगानंद जी की पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में गए थे और स्वामी ब्रह्म योगानंद जी की पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में उनकी उस भविष्यवाणी का रेफरेंस देते हुए कि 2014 से पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी और इनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई, तो इनकी दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित होगी और इसके सिग्निफिकेंट दिखना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई के लिए तैयार होना, तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स का इसके बारे में सामने आना, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का होना, ये सारी बातें इस बात का इशारा कर रही है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। राकेश जी से एक सवाल मैं पूछूं, जी आपको इतराज ना हो, जी भाटी जी पूछो। स्वामी ब्रह्मानंद जी से ये भी पूछ लेते कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरने कब बंद हो जाएंगे, अपराध कब रुक जाएंगे, बेटियों के साथ रेप होना कब बंद हो जाएगा, बेरोजगारी कब खत्म हो जाएगी, स्वामी जी से ये भी पूछ लेते या स्वामी जी के लिए मुख्यमंत्री बने हैं क्या राम मंदिर बनाने के लिए, या योगी जी लोगों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बने, क्या सिद्धार्थनाथ सिंह राम मंदिर बनाने के लिए मुख्यमंत्री है? राजनीति को धर्म, आप राम मंदिर रोकने के लिए राजनीति कर रहे हैं क्या? आप स्वीकार करिए योगी जी कि हम राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं। आप जनता ने, आप राजकुमार भाटी जी अंतर मंत्र पूछिए, समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता को दरकिनार कर अंतर मंत्र पूछिए, आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। याद आता है राजकुमार भाटी जी, लेकिन ये तो लगातार उनका एजेंडा रहा है ना, ये तो एजेंडा उनका है लगातार। उनका एजेंडा था 6 दिन आएंगे, उनका एजेंडा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। चलिए इस पर जवाब। एजेंडा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, राकेश त्रिपाठी जी अपराध रोक देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, विकास के एजेंडे पर हिंदुत्व का एजेंडा क्या भारी है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाने का एजेंडा हमेशा विकास का एजेंडा है, लेकिन आस्था के मसलों को आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? हमने हमेशा कहा है कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के दलीय प्रतिबंधता किनारे हो गए तो इनके भी आस्था बनने आता होगा कि हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। भाटी जी भी अंदर मंत्र मंत्र चाहते हैं, लेकिन दलीय प्रतिबद्धता के नाते मजबूरी में ये तुष्टिकरण के नाते कह रहे हैं ऐसा। संगीत राजगी जी, लेकिन ये तो बीजेपी का हमेशा मुद्दा रहा है। ये तो सवाल लोग ये उल्टा उनसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे, क्योंकि आप वादा हमेशा करते रहते हैं, कह रहे हैं कब से कि बनाएंगे राम मंदिर बनाएंगे, बनेगा कब? ऐसा है, ऐसा है, मुझे लगता है कि भाटी साहब जब हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब मैं बोलूंगा, क्योंकि इन पर मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बिल्कुल बोलिए। ऐसा है, आप जब कहते हैं कि ये वैज्ञानिक युग है और राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, आस्था से नहीं खेलना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी जब मस्जिदों में जाकर के आस्था के सवाल को भुनाती थी तब आप कहां थे साहब? हमने मस्जिद के नाम एक मिनट सुनिए, देखिए आप मुझे कोई एक आप मुझे मस्जिद के नाम पे कभी भाटी जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। नहीं, तो आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आप जब बोलेंगे तो आप जब हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आप जब मौलानाओं समाजवादी पार्टी का किसी एक नेता ने मस्जिद के नाम पे वोट मांगा हो कभी किसी चुनाव? अरे आप, मैं दावा करता हूँ, अरे आपके मुलायम मंदिर और मस्जिद को समान दृष्टि से देखते हैं, हिंदू और मुसलमान को समान दृष्टि से। आप हमें बोलने दीजिए, राजनीति नहीं, लेकिन प्लीज प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, बात पूरी करिए, फिर मेरा भी सवाल है पार्टी के लिए। बिल्कुल नहीं, आप बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बहुत गलत बात है। संगीत रागी जी, आप अपना पक्ष, संगीत रागी जी आप अपना पक्ष रखिए, वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं इस बयान पर कि मस्जिद में जाकर नहीं किया, आप अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, जवाब दीजिएगा भाटी जी, जवाब का मैं मौका दूंगी। आप जब जो है आप दंगों में हिंदुओं और मुसलमानों में भेदभाव करते हैं, आप शाही इमाम को ले जाकर के आप फतवा जारी कराते हैं, आप जाकर के आप मौलानाओं को तो क्या मतलब करते हैं, तुष्टिकरण करते हैं, आस्था का सवाल नहीं था। दूसरी बात, नहीं संगीत आगे, इससे मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये करते हैं तो ये आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अगर वो ये कर रहे थे और वो आस्था से जुड़े हुए प्रश्न थे, आस्था के साथ वो खेल रहे थे, उसका फायदा उठा रहे थे, तो क्या यही बीजेपी भी कर रही है? नहीं, नहीं। क्या आस्था के साथ खेल रही है? क्या आस्था का फायदा उठा रही है? क्या उसके आधार पर वोट ले रही है? पहली बात तो कि इस देश का आप क्या इक्वेट कर रहे हैं? नहीं, 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 नहीं। इस देश की एक अद्भुत मानसिकता नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं अगर आप ये कर रहे थे तो वो आस्था के साथ खिलवाड़ था, तो क्या यही बीजेपी भी कर रही है? आस्था का सवाल होता है क्रिश्चियनों का, मैं तो उल्टा सवाल पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खेल रही है बीजेपी? नहीं नहीं, हिंदुओं की आस्था के साथ, उनको बार बार ये कहते हैं कि हम बनाएंगे राम मंदिर, लेकिन अगली डेडलाइन दे देते हैं और फिर उसके लिए कुछ नहीं करते। देखिए, एक 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 बीजेपी के नेता ने कहा कि भाई 2019 तक राम मंदिर बनने का जो भविष्यवाणी है वो सार्थक हो जाएगी, उसी पर इतना बवाल हो रहा है कि ये तो सारे सियासी हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सारे विपक्षी पार्टियों को जो लगते हैं कि भविष्यवाणी ये गलत है, तो उनको भविष्यवाणी सही करनी चाहिए। राम मंदिर चाहते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि नहीं, लेकिन बाकी सब लोग तो कहते हैं कोर्ट को मानेंगे ना, बाकी सब तो यही कहते हैं कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। चलिए, हमारे साथ एजाज अर्शद कासमी साहब मौजूद हैं। एजाज साहब आपने सुना अभी राकेश त्रिपाठी जी भी जो बात कह रहे थे, और यही बात सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कही है, उन्होंने कहा कि माहौल बदल गया है, सकारात्मक माहौल है, खुद मुस्लिम समाज के लोग सामने आकर ये कह रहे हैं कि हमें वहां पर राम मंदिर बनवाना चाहिए, मस्जिद वहां नहीं बननी चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा माहौल बदल गया है, योग मोदी राज में इस तरह का बदलाव आया? ऐसा कुछ नहीं है, इससे बड़ा झूठ और नहीं होगा कि कोई मुस्लिम स्कॉलर जो है इस तरह की बात कर रहे हो कि राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए। कोई सारे मुस्लिम स्कॉलर का बिल्कुल ये स्टैंड क्लियर है, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड तो आया है सामने। शिया वक्फ बोर्ड इसमें ना पार्टी है और उसको पहले ही खारिज कर दिया गया है, तो उसको ये तो कोई बात ही यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मामला है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला है, तो जिनका मामला है जो पार्टी है उन्हीं के तहत बात होनी चाहिए, शिया का इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात यह है कि ये लोग जो हमेशा मुसलमानों पर ये एतराज करते रहते हैं कि धर्म बड़ा या देश, आज वही लोग बताएं कि क्या धर्म बड़ा है या संविधान बड़ा है या कोर्ट बड़ा है। हमेशा ये लोग चैलेंज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, क्या यही इनका धर्म सिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस देश में रहते हो उसके संविधान को ना मानो? अरे संविधान का पहले फैसला तो वहां से फैसला तो आने दो। लेकिन दूसरी, अब तो बात ये की जा रही है जो सिद्धार्थनाथ सिंह भी कह रहे हैं या योगी ने भी कहा, उन्होंने कहा कोर्ट में मामला, कोर्ट का फैसला आखिरी होगा, लेकिन क्या बातचीत के जरिए हल हो सकता है? क्या बातचीत का फैसला है? डायरेक्ट बीएचपी वाले डायरेक्ट खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कोर्ट
कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे हम, हर हाल में वहाँ पर मंदिर बनाएंगे, कौन कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार? इससे पहले वो लोग जो है बाबरी मस्जिद को शहीद करके कोर्ट के फैसले की धज्जी उड़ा चुके हैं और आज भी ये लोग कोर्ट का फैसला, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये लोग राम मंदिर को बनाने के लिए कभी मुखलिस नहीं रहे। हम कहेंगे अगर ये सिंसर है और अगर हिंदुओं के तहत वादा करते तो जाए ना राम मंदिर बना ना, कौन रोक रहा है? वो संविधान पार्लियामेंट इनके पास है, पास करा ले, कानून पास करा ले, जाकर के बना ले। ये लोग कभी हिंदुओं के, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के सौदागर है, ये लोग सिर्फ सौदा करते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आता है, इससे कई बड़े लीडर बीजेपी के ये कह चुके हैं कि ये एक तरह से चेक था जिसको हम भुना चुके हैं, आइंदा भुनाने की कोशिश करेंगे, ये खुद इनके लीडरों का बयान आता रहता है। लेकिन लेकिन कभी इसको राम के ताल्लुक से कभी इन लोगों का जो है, लेकिन क्या बातचीत से हल हो सकता है और क्यों अब बार बार ये बातचीत की बात आ रही है सामने, इस पर बात करेंगे आगे। हम चर्चा कर रहे हैं मंदिर निर्माण की लेकर, मंदिर मस्जिद विवाद में क्या अब मुसलमानों का साथ मिलने वाला है? इस तरह का बयान सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह का माहौल पैदा हुआ है मोदी राज में, योगी राज में, जहां पर मुसलमान भी शायद सहयोग देने वाले हैं और मंदिर निर्माण संभव हो पाएगा 2019 के पहले। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ अंसार रजा साहब मौजूद हैं। अंसार रजा साहब, क्या इस तरह का माहौल बना है जहां पर मुसलमान भी अब साथ देने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं मंदिर निर्माण में? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब जहां तक उसी जगह का सवाल है, जिस तरह से कुछ लोगों के नाम आपने लिए कि वो निकल के बाहर आए नहीं, वहीं बनना चाहिए, तो ये कुछ चंदाखोर मुसलमान हैं जिन्हें सरकार के तलुए चाटना थे, सरकार की जूतियों पे पालिश करना थी, वो लोग अपने पदों को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किताब, अब क्या करेंगे? वही लोग जो समाजवादी पार्टी सरकार में माथे का तिलक बने हुए, तो आज वो बीजेपी में जाकर के अपने आप को बचाने के लिए वो कह रहे हैं साहब हम तैयार हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या अभी हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो गया है? क्या माननीय कोर्ट का आदेश आ चुका है? और जो भविष्यवाणी की बात मंदिर की बात करते मुसलमान, वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं राकेश जी आप? क्या बोले आप? अंसार राजा साहब कैसी बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो कोई मुसलमान ही नहीं है जिसने हिंदू मंदिर की बात की हो, राम मंदिर की बात की हो? ये मैंने कब कहा कि जिन मुसलमानों ने कहा वो मुसलमान नहीं है? ये मैंने कब कहा? आपने कहा किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं कहा? ये मैंने कब कहा? मैंने कहा कुछ चंदाखोर मुसलमान, आप सुन लिया कीजिए, आप लोग डिबेट करने के लिए आ जाते हो और कान की सफाई करके नहीं आते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अंसार राजा साहब, मैंने चंदाखोर मुसलमान कहा है भाई। कौन मुसलमान नहीं है? मैंने चंदाखोर मुसलमान कहा है। कौन है आप? सरकार की जूतियों की पालिश करने वाला मुसलमान कहा है? आप सुन लिया कीजिए पहले। चंदाखोर वो लोग हैं जो बहुसंख्यक हिंदुओं के मंदिर को बनने में रोड़ा अटका रहे हैं, जो रोड़ा अटका रहे हैं वो चंदाखोर है। इसका मतलब मोदी जी चंदाखोर है? अब तक तो 3 साल में बात नहीं की उन्होंने, मोदी जी तो 3 साल में बात कर ही नहीं रहे राम मंदिर की। वो मुसलमान बड़े दिल के मुसलमान है। एक मिनट मुसलमान है, वो बड़े मन के मुसलमान है। अरे साहब सुन लीजिए, 3 साल में बताइए मुझे आप इंटरनेशनल चैनल पर मोदी जी ने कितने मरतबा राम मंदिर की बात की? एक मिनट सर, रागी साहब एक मिनट प्लीज, ठीक है आप दोहराते हैं तो नहीं, दोहराते नहीं, आप तो ये बताइए 3 साल में कब मोदी जी ने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए? लेकिन अंसार अजा साहब, योगी जी तो रोज कह रहे हैं, वो तो सरकार भी लेकर वापस जाने वाले हैं, इन्हें चुनाव प्रचार अभी देखिए 3-4 को लेकर जा रहे हैं। अरे मैम, वापस दिवाली मनाएंगे कैबिनेट के साथ, मुख्यमंत्री बनते ही दिवाली मनानी चाहिए। तो योगी तो रोज कर रहे हैं, मुंह पर कैसी बात कर रहे हैं? देखिए दीपावली मनाने के लिए अयोध्या में, चूंकि वो हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि वो तो उसको जितनी अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन आज उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा जो लोग कल कहते थे कि रोजा अफ्तार सरकारी पार्टी से सरकारी खजाने से हो रहा है, अब ये जो हो रहा है वहाँ पर सरकारी खजाने नहीं हो रहा है क्या? ये कैसा दोहरापन है? क्यों भाई? अरे भाई वो जन्मभूमि कूलर जगह को जन्मभूमि कहा है क्या? अयोध्या क्या 1 किलोमीटर में बसा हुआ है क्या? 2 गज में है क्या अयोध्या? इतना बड़ा शहर है। ठीक है, आपने अंसार अजा साहब अपनी बात रखी, आपका ये कह रहा है कि रिपोर्ट से तय हो गया वो अपने हित के लिए पाप लगेगा। ठीक है चर्चा को डिरेल नहीं करिए, आपने अपनी बात रखी। राकेश जी उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे, मैं आती हूँ आपके पास। अंसार अजा साहब, राकेश जी अंसार अजा साहब का ये कहना है कि वो कुछ चंद मुसलमान है जो अपने फायदे के लिए ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा तबका है मुसलमानों का वो समर्थन नहीं कर रहा है। इस तरह का कोई माहौल नहीं बना है जिसमें वो साथ देने के लिए या बातचीत करने के लिए तैयार हो। मेरा सवाल आपसे इससे अलग है। मेरा सवाल ये है कि बातचीत करने की कोशिश तो पहले भी कई बार की गई, वो कभी सफल नहीं हुई। सभी लोग इस पक्ष के तो हैं, सभी लोग इस बिंदु पर तो एकमत हैं कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, तो अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? देखिए बातचीत की बात बीच में आ जाती है, की बात हमने कभी नहीं कही है।
नहीं, बातचीत की बात तो स्वयं अदालत भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत अगर होती है आउट ऑफ, परसों अमित शाह जी ने क्या कहा है, अच्छी सूरत होगी, परसों अमित शाह ने क्या कहा है, किसी भी राम मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद ही बनता है, तब तक बातचीत की सूरत हमें कहा है कि नहीं कहा है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता हमेशा ये तो फिर ये 2019 की डेडलाइन का एक बात और समझ लीजिए, आप 1949 से लेकर के अब तक अदालतों के निर्णयों को यदि देखें अंसर राजा साहब, आंखें खोल करके और दिमाग खोल करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर बार अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला किया है, आप 1949 में चाहे मूर्ति रखने का मसला हो, तो फिर तो राकेश जी कोर्ट का फैसला करना, फैसले का इंतजार होना चाहिए, जब आपके हक में आ रहा है तो फिर तो आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको करना चाहिए ना, अगर वो पक्ष में ही आने वाला है फैसला और आपको मालूम है ये बात है। ठीक है, हमारे साथ असीम बकार मौजूद है, उन्होंने चर्चा में अब तक शामिल किया, मुझे उनसे एक सवाल है, असीम बकार साहब, असीम बकार साहब, क्यों जो मामला कोर्ट में है जिसको लेकर सरकार के सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, खुद योगी आदित्यनाथ भी आज ये बात कहते हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि कोर्ट में है मामला, कोर्ट से हल होगा, लेकिन अयोध्या की जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, ये बयान उन्होंने दिया है। खुद अमित शाह ये बात कह चुके हैं और भी जो तमाम अहम पदों पर बैठे लोग हैं सरकार में, वो ये कह चुके हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान होगा, जो कोर्ट फैसला करेगा वहां से फैसला होगा, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में इस तरह की बातें फिर आ जाती हैं कि सहमति होगी, बातचीत होगी, ये क्यों, या एक नई डेडलाइन आ जाती है 2019 से पहले, ये किस वजह से? देखिए, सबसे पहली बात तो मुसलमान बातचीत में नहीं जा रहे हैं, हमें किसी भी तरह से किसी भी हिंदूवादी संगठन से, सरकार से बाबरी मस्जिद मसले पर कोई बातचीत मंजूर नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले 3 बार बातचीत में जा चुके हैं और मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल दूँ कि बातचीत की जाती है ईमानदार लोगों के साथ, धोखेबाज और दगाबाज लोगों के साथ बातचीत नहीं की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, एक हिंदुस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं गृह के, जनाब कृष्णमलयधर, KM धर, उन्होंने एक किताब लिखी है ओपन सीक्रेट के नाम से, उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि जिस वक्त RSS और विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों से बातचीत करके मसले का हल तलाशने का एक नाटक कर रहे थे, उस वक्त RSS और BHP ने 11 महीने पहले बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके उसको गिराकर प्लेन करने की पूरी रणनीति बना ली थी, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी और उस पर काम शुरू कर दिया था, और वो तैयार थे, वो बातचीत सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे थे। तो जो लोग इस तरह के हों उनसे हम बातचीत नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। तीसरी बात, जिसमें हिम्मत और हैसियत हो वो बिना कोर्ट के फैसले के जाकर वहां कोई एक ईट रख के दिखाए, मैं उसको मान जाऊंगा। ये जो आपने आखिरी बात, जिन मुसलमानों को जिक्र हो रहा है, असीम बकार साहब, ये जो आपने आखिर में कहा कि कोई इसकी हिम्मत हो वो जाकर वहां पर एक ईट रख के दिखाए, मुसलमान नहीं मानते, ये कहकर क्या माहौल को उकसाने की कोशिश होती है? इसी तरह के बयान कोर्ट की मर्जी के खिलाफ, आप गलतफहमी में जी रहे हैं, आप भड़काऊ भाषण मत करिए, इसी तरह के बयान देकर के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वकारों ने ऐसे ही ISI पैदा किया है, ऐसे ही वकारों ने आतंकवाद तक ले जाइए, आतंकवाद तक ले जाइए, आप वो तो राकेश जी भी उनसे कह रहे हैं कि आप ऐसा कहेंगे तो हम ये कर देंगे, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप आतंकवादी उन्हें नहीं कह सकते। संगीत रागी जी, मेरी आपत्ति इस बात पर कि आप उन्हें आतंकवादी नहीं कह सकते। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग ही आतंकवाद पैदा कर रहे हैं इस देश में, यही जिन्ना की भाषा थी कि यदि देश का विभाजन नहीं होगा तो हम सड़कों पर खून बहाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं संगीत जी, वैसी के भाई की थी, संगीत जी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक ईंट भी रख करके कोई दिखा दे कौन सी ऐसी भाषा है नेशनल टेलीविजन पे, आप हिंदुओं को लड़का रहे हैं कि कौन सी ऐसी भाषा है। संगीत रागी जी, आपने BHP के लिए ऐसा कहा आज तक, आप ये बताइए संगीत रागी जी आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। संगीत रागी जी, आप ठीक है, संगीत रागी जी बात करते हैं, संगीत रागी जी आपने बात का शासन नहीं है, संगीत रागी जी तुष्टिकरण इस देश में हो चुका है, पहले भी कह चुका समझिए, आप हिंदू हाथ से हाथ खड़े रहे की जा सकती है, इस प्रकार की भाषा मेरी
ये आपने 40-50 साल को धमकाने की कोशिश की है। संगीत रागी जी आपने बोल लिया सर, सर संगीत रागी जी आप अगर असीम बकार को ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं वो आतंकवादी मानसिकता है, आपने संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी थी साहबानों के समय, आपने कौन सी संविधान को मानने की आपने माना था? आप सड़कों पर लौट गए थे, कोई संविधान को नहीं मानेगा, आपको डरा करके कोई संविधान और कानून को नहीं मानेगा क्या? संगीत रागी जी हिंदुओं के मामला आता है तो आप आस्था का सवाल करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आपके चेहरे खिल जाते हैं, और हिंदुओं का यदि कश्मीर के अंदर वहां से पलायन होता है तो आपकी छाती नहीं फटती है? ये कौन सी मानसिकता है देश देश के मुसलमानों का? यही वो ऐसा मुसलमान आपसे कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मोहन भागवत को, सुनिए बात मेरी बात। अरे बिल्कुल सुनिए मेरी बात, आप बात रही है, आप डरपोक है, अरे डरपोक तुम हो, हम चाहते हैं अगर आपकी औकात है तो बताइए, आपकी औकात है बताइए, हम चर्चा पर वापस आते हैं। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी आपको इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है सर। बीएचपी जब ये कहती है कि मंदिर वहीं बनेगा, कोर्ट का कोई भी आदेश आए तब आपने उनके लिए ऐसा कहा? जो आप असीम मकार को कह रहे हैं, असीम मकार को कह रहे हैं मैंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई, उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, मैंने फौरन टोका उन्हें। सुनिए संगीत रागी जी, अब आप मेरी बात सुनिए संगीत रागी जी, सर आपको सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए सर। संगीत रागी जी सुनने की हिम्मत भी रखिए, संगीत रागी जी सुनने की हिम्मत भी रखिए। मैंने असीम मकार को फौरन कहा कि आप उकसा रहे हैं, लेकिन जब बीएचपी उकसाती है लोगों को तब आप इस तरह की भाषा उनके लिए इस्तेमाल करते हैं? बीएचपी जब ये कहती है कि मंदिर वहीं बनेगा, कोई भी देश है तब क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट तब आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है, कोई भी अगर कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा, कोई भी आदमी, कोई भी आदमी चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, अगर वो संविधान और कोर्ट को नहीं मानेगा तो आप उसके खिलाफ बोलिए ना। फिलहाल आप पानी पीजिए कि क्या न्यायपालिका के फैसले की बाट जोने वाली बीजेपी ने अब राम मंदिर के निर्माण की डेडलाइन तय कर दी है, क्योंकि योगी सरकार के मंत्री और यूपी बीजेपी के दिग्गज नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि 2019 से पहले हर हाल में राम मंदिर हकीकत बन जाएगा। सिंह ने यहां तक कह दिया कि मंदिर निर्माण में मुस्लिम समाज भी हाथ बटाने को तैयार है। विपक्ष इसे ध्यान भटकाने की साजिश कह रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं बीजेपी से, लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आना चाहूंगी। राजकुमार भाटी जी, ये मुद्दा बार बार उठता है, तब जबकि पहले भी 10 बार कोशिश हुई चर्चा करने की, जब हाईकोर्ट फैसला दे रहा था इस पर तब उन्होंने भी कहा था कि आप बातचीत कर लीजिए, लेकिन बातचीत नहीं हुई, बातचीत से कभी कोई अभी तक फैसला इस पर नहीं निकला है, क्योंकि एक जगह पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं दोनों पक्ष। अभी भी जब कोर्ट ने कहा था तो सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कोर्ट को कहा कि नहीं, ये दोनों पक्ष साथ में नहीं आएंगे, बातचीत नहीं होगी, उस तरह का माहौल नहीं बनेगा, कोर्ट को इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए और फैसला सुनाना चाहिए। तो फिर क्यों ये बातचीत की बात बीच में आती है? कोर्ट के फैसले का ही सम्मान क्यों नहीं करने पर सब एकमत होते हैं, क्योंकि उस पर सब एकमत है तो कोर्ट का इंतजार, फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? देखिए, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब सरकार किसी मुद्दे पर घिरती है तब तब धार्मिक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उछाले जाते हैं। मैं तो इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहाँ से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए? और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नाम ही ओढ़कर सदन के अंदर आ गए। तो जो जब हमने ये मुद्दे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था? हमने चुनाव लड़ा था कि अपराध रोकेंगे, बिजली देंगे, शिक्षा देंगे। आज जब 170,000 शिक्षक सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नवरात्रों के दिनों में बेटियों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं जिनकी पूजा की जाती है नवरात्रों में, और जो हिंदू हितैषी सरकार है वो लाठियां चला रही है, जब बिजली के लिए लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, जब मोदी नगर में एक लड़की की, 14 वर्ष की लड़की की अपहरण के बाद, रेप के बाद टुकड़े टुकड़े करके लाश फेंक दी जाती है। अरे भाई, आप और पुलिस राजकुमार भाटी जी, आप राम मंदिर के पक्ष में हो या नहीं हो? राम मंदिर का मुद्दा उठाना हम नहीं, तो आप कह रहे हैं कि इसीलिए उठाया गया ये मुद्दा। जिस राम के वंशज आप हो उसी राम के वंशज हम भी हैं, और जिस राम की पूजा आप करते हो उसकी पूजा हम भी करते हैं, लेकिन हम राम राम जी बोलते हैं और आप मुंह में राम बगल में छुरी रखते हो। आप राम राम जपना पराया माल अपना जैसे, तो आप नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? हमारी राम भक्ति, आप नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? हम भी चाहते हैं मंदिर बने, लेकिन इस देश की शांति भंग करके नहीं, इस देश के संविधान का उल्लंघन करके नहीं,
किसी धर्म के संप्रदाय के लोग कह रहा है कि शांति भंग करके बने राकेश न्याय का अपमान करके नहीं, राकेश जी क्या दबाव है सरकार पर, क्योंकि इस एजेंडे को इतना उठाया है सरकार ने, हर बार आपके एजेंडे में शामिल रहता है और लोग बार बार सवाल पूछते हैं और दबाव भी बढ़ता है कि क्यों नहीं बनता राम मंदिर, क्यों उसके लिए कोई पहल नहीं होती, इस वजह से क्या बार बार इस तरह की चर्चा शुरू की जाती है, तब जबकि ये साफ दिखाई देता है कि कोर्ट के फैसले के बिना इसका हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सुमैरा जी, हम आशावादी हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चलने वाले लोग हैं। हम देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग, मुसलमान प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं और इस बात के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। अंसार रजा साहब और एजाज अरशद कादरी साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं, शिया वोट के अलावा कोई नहीं आया। ये राजनीतिक मुसलमान है, ये राजनीतिक मुसलमान है। आज तमाम मुस्लिम संगठन, तमाम मुस्लिम लोग आपका साथ दिया, वो नागपुर के हैं। सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, जवाब उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। उसके कारण है, उसके कारण है सुमैरा जी, उसके कारण है। ठीक है, ठीक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का जो आदेश आया, हाँ। उस आदेश में एएसआई की वैज्ञानिक रिपोर्ट में ये स्पष्ट माना गया है सर, मैं उसमें नहीं जा रही, खुदाई में ये सर नहीं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम उस पक्ष में नहीं जा रहे हैं। राकेश जी हम उस पक्ष में नहीं जा रहे हैं, वो एक लंबी चर्चा है, हम यहाँ कोर्ट थोड़ी है। नहीं देखिए राकेश जी, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां तक मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं नहीं जा सकती कि राम मंदिर बनना चाहिए नहीं। के रजवी के अलावा बताइए कितने मुसलमान आपके साथ, इस पर जो राजनीति हो रही है, इस पर प्रकाश में उस पर चर्चा कर रहे हैं आप, उसके बारे में बता दीजिए मुझे कि कितने मुसलमान, कोई बड़ी तंजीम का नाम शिया बकबोट के अलावा। इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन अब तंजीम आप तय करेंगे, हम नहीं क्या करेंगे, हम नहीं क्या करेंगे, हमारे पास चर्चा का समय है। प्रतिक्रिया लेने दीजिए, प्रतिक्रिया लेने दीजिए जल्दी। उत्तर प्रदेश में आकर के देखिए बड़ी संख्या में मुसलमानों के जाते भाई साहब, हम उत्तर प्रदेश में आते जाते, मुसलमान देश के विकास में भागीदार होना चाहता है, राकेश कतई आपके बहलावे में बरगर राकेश त्रिपाठी जी आप राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन आपकी सरकार तो मदरसे को लेकर भी बहुत चिंतित है, मुसलमान उसको लेकर भी खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं आपकी सरकार का, वो ये भी कह रही है आपकी सरकार की, वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं, वो आपकी सरकार ये भी कह रही है कि 15 अगस्त को आप कैसे मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, वो भी आप बताइए, तो ये सब भी तो आपकी सरकार कर रही है, तो फिर इस माहौल में आपको लगता है वो बातचीत के लिए तैयार होंगे और आएंगे और कहेंगे कि आप आइए और यहां पर राम मंदिर बनाइए? देखिए, तीन तलाक का मसला हो या मदरसों के उच्चीकरण का मसला हो, आम मुसलमान यह महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही है और तमाम साक्ष्यों के द्वारा यह साबित हो रहा है। मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बताइए कि शिया वक्फ बोर्ड को वो कह रहे हैं कि वो साथ में आया, शिया वक्फ बोर्ड सामने भी आया नहीं, आप कैसे कह सकते हैं उसकी वैल्यू नहीं, कौन जनप्रतिनिधित्व कर रहा है मुसलमानों का और कौन नहीं है, कैसे करोड़ मुसलमान एक तरफ और शिया वक्फ बोर्ड एक तरफ, उनको छोड़ दीजिए। हमारे पास चर्चा का समय खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, मैं चाह रही थी कि मैं बाकी लोगों की प्रतिक्रिया लूं लेकिन नहीं मैं ले पाई प्रतिक्रिया आखिर तक। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल ये कि ये मुद्दा कई सालों से सामने है और अभी तक इसका हल बातचीत से नहीं निकला है, तो फिर बातचीत की बार बार जिक्र करना क्या इस मुद्दे पर राजनीति करना नहीं है? क्या कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बिंदु है जिस पर सभी पक्ष एकमत है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, तो जल्द से जल्द कोर्ट में सुनवाई हो और वहां से आए फैसला राम मंदिर को लेकर।